आज के वीडियो में आपको कॉफ़ी के टोटके और उपाय बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ उमाश्री। आज फिर एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको वो सभी खुशियाँ दे जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। और आज का उपाय बताने का उद्देश्य भी यही है कि इसको अपनाने से आप बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करेंगे। कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये कॉफ़ी है, तो आप चाहें तो कोई सी भी ले सकते हैं। इस उपाय को आप शनिवार को करिए। आपको एक लोहे की कटोरी लेनी है, उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है, उसके अंदर थोड़ा सा चारकोल पाउडर डालना है और उसके अंदर डालना है थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ी सी आपको अगर राख मिल जाए, अंगीठी की राख मिल जाए तो उसको भी ले लीजिए। इन चारों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए और इसका एक घोल टाइप बना लीजिए। इसका एक घोल टाइप बनाकर आप अपने घर की बाउंड्री है उस पर छिड़क दीजिए, और इस घोल से अपने दरवाजे पर 7 लाइनें बना दीजिए। आप देखिएगा, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरा उपाय, स्नान के पानी में नमक के साथ में एक चुटकी कॉफ़ी डालिए और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन को महसूस करिए। इसके अलावा सुंदरता को बढ़ाने में भी काफ़ी योगदान है, और इसके लिए आप कॉफ़ी को थोड़ा सा दूध में मिलाइए और उससे चेहरे पर मसाज करिए, फेस वॉश कर लीजिए। अगर आपको कॉफ़ी से एलर्जी है तो आप मत करिए, पहले आप एलर्जी टेस्ट कर लीजिए। वैसे इससे किसी को कोई नुकसान होता नहीं है, तो इससे आप चेहरे को एक फेस पैक की तरह लगाइए और क्रीम में मिला के आप मसाज भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फेस ग्लो भी होता है और आपके राहु केतु की भी शांति हो जाती है, चेहरे का सौंदर्य बरकरार रहता है। इसके अलावा शनिवार के दिन आप 11 गरीबों को अगर कॉफ़ी बनाकर बांटते हो तो आपके शनि ग्रह की भी शांति होती है, राहु ग्रह की भी आपके शांति होती है। इसके अलावा कॉफ़ी की जो शीशी होती है, कॉफ़ी की जो डिब्बियाँ होती हैं, इनको भी आप ऐसे मनुष्य को दे दें जो चलने में असमर्थ हो, या अपने सफाई कर्मी को। हर शनिवार को कम से कम 7 बार ऐसा करें, कॉफ़ी की एक डिब्बी उसको स्नेहपूर्वक दे दें और एक दूध का पैकेट भी दे दें। ऐसा करने से जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का कुयोग बना हुआ है, दुर्योग बना हुआ है, जिसकी वजह से उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो भी दूर होने लगेंगे। तो आज मैंने आपको बताए कॉफ़ी के उपाय।